नमस्कार, जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की वैकेंसी। ये है आपका सरायकला खरसवां के लिए, ठीक है। आप अगर बीएड कर चुके हैं, आप झारखंड से हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें अगर हम बात कर ले टोटल वैकेंसी कितना है, आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें आपका टोटल वैकेंसी है 89, ठीक है। और आप पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो सबका टोटल वैकेंसी है 80। तो इसमें आपका बहुत ही चांस है होने का। तो आप अगर एलिजिबल है तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। पीजीटी के लिए अगर हम बात कर ले क्या क्या चाहिए। पीजीटी के लिए आपका जो पीजी होगा उसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और आप अगर अनुसूचित जनजाति से हो तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम उसके बाद बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि आप एफियरिंग में है अप्लाई कर दियो तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास अगर बीएड की डिग्री है तभी अप्लाई करें, ठीक है। और टीजीटी की बात अगर कर ले तो इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें भी आपका सेम कंडीशन अप्लाई होता है, बीएड का होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, इसमें अगर उम्र सीमा की बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि निम्नतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 से 55 वर्ष होगी। आप अगर 21 से बड़े हैं और 55 से छोटे हैं तभी इसको अप्लाई कर लें, अन्यथा अप्लाई करके आपका कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ आप नीचे नोट पे देख रहे हैं कि 31/12/2022 के आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ का आकलन किया जाएगा, आप इसके बीच है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आरक्षण के कुछ दिए गए, जैसे पढ़ने जाएंगे तो फिर मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, आप आरक्षण में आते हैं जाती है, प्रमाण पत्र क्या क्या, उसको आप डिटेल्स पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। भैया, बात कर रहे हैं सैलरी, मेन बात यही है कि हम काम तो करेंगे लेकिन हमें सैलरी कितनी मिलेगी। पीजीटी के लिए आपका सैलरी रहेगा 27,500 रुपये, और टीजीटी के लिए आपका सैलरी रहेगा 26,250, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग सैलरी है। आगे अगर हम देखा जाए, हाँ, इसमें कुछ नंबर 5 पे कुछ दिया गया आपका क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो आपको कॉलेज जाने सॉरी स्कूल ज्वाइनिंग के बाद आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चयन की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे आपका आप अप्लाई कर सकते हैं ये बात कर लेते हैं। देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब जाइएगा वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा अप्लाई करने के, ठीक। उसको आप डाउनलोड करिए, भरिए, और उसमें एक एड्रेस मेंशन है सरायकला खरसावां का डीसी ऑफिस का, तब वहाँ उसको बाय पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अरे ठीक है, बाय पोस्ट करने के बाद, हाँ, बाय पोस्ट करने के बाद आपको और एक चीज़ बता दें कि 100 रुपये का आपको बैंकिंग ड्राफ्ट बनाना होगा, इन बैंकर चेक जो आप बैंक से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और आपको भेजना कहाँ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकला खरसावां के पदनामा पे पेस्लिप पर सरायकला खरसावां शिकार किए जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें कितना वैकेंसी है, कौन कौन से स्कूल पे कितना सरायकला खरसावां का, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ कमी लगा तो आप कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हमें कुछ पता चले। और इसी तरह का अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके लिए छोटी मोटी नौकरियाँ की वैकेंसी अपडेट लाते रहते हैं। शुक्रिया।